ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। मुमरा के अमृत नगर दरगाह के समीप ठाणे महानगर पालिका की तरफ से ग्राउंड प्लस वन की हॉस्पिटल नगर सेवक सानू पठान के प्रयासों से बनाया गया, जिसका उद्घाटन कलवा मुमरा के आमदार जितेंद्र अवार्ड ने किया। लेकिन इस हॉस्पिटल का उद्घाटन ठाणे के कमिश्नर संजीव जायसवाल के हाथों होना था, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं पहुँच पाए और मुमरा के असिस्टेंट कमिश्नर वो पहुँचे। और इस हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट का इलाज किया जाएगा, सुनिए हमारी इस खबर में। हमारे प्रहार टाइम्स के संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने सानू पठान और जितेंद्र अवार्ड से क्या बातचीत की है। आपका प्रहार टाइम्स से, मैं सबिया हुसैन शेख, हम खड़े हैं अमृत नगर परिसर में। यहाँ पे एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। हॉस्पिटल का नाम बाबा फखरुद्दीन शाह के नाम से रखा गया है। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन जितेंद्र अवार्ड ने किया है। आइए हम आपको बताते हैं अंदर का हाल हॉस्पिटल का। अंदर छोटे छोटे कैबिन बनाए गए हैं, यहीं पे पेशेंटों का इलाज किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का कैबिन बने हुए है। ये जो कैबिन बनाया गया है, इसके अंदर केस पेपर दिया जाएगा। यहाँ से जितने भी पेशेंट आएंगे, यहाँ से उनको केस पेपर दिया जाएगा, दवाइयाँ यहीं से मिलेगी। आगे डॉक्टरों का भी कैबिन बनाया गया है। पेशेंट जब यहाँ पे आएंगे कोई भी अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए, तो यहाँ पे डॉक्टर लोग यहाँ बैठेंगे इस कैबिन में, और पेशेंट यहीं आके अपना चेकअप और अपना तकलीफ दिखाने के लिए रहेंगे। अमृत नगर के नगर सेवक शानू पठान, आइए उनसे बात करते हैं कि शानू जी, आपने जो ये हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं जितेंद्र अवार्ड के हाथों से, तो आप बता सकते हैं ये हॉस्पिटल में किन किन बीमारियों का इलाज होगा? इसमें टीबी, डेंगू, मलेरिया और साथ ही में प्रेगनेंसी जो औरत रहेंगी उनको भी, उनका यहाँ पे ओपीडी करके देखरेख, मतलब उनके तपास होगी। और जो उनको ऑपरेशन से पहले, जो प्रेगनेंसी से पहले सारी दवाएं, जितने महीने तक के नहीं, 9 महीने तक के नहीं, सारी दवाएं यहाँ पे फ्री मुफ्त में मिलेंगी। मुमरा स्टेशन पे भी काफ़ी दो हॉस्पिटल है जिसमें टीबी पेशेंट वहाँ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, ऐसा है, मुमरा की बात नहीं, पुणे, थाना और कई महाराष्ट्र के कई इलाकों में टीबी की दवाएँ मिल ही नहीं रही है। उसका कारण ये है कि 24/6 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी थी कि हम दवाएँ नहीं दे रहे, और 24/7 को, सातवें महीने में स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दी कॉरपोरेशन, हर कॉरपोरेशन को, कि हम लोग टीबी की दवाएं नहीं देने वाले, आप अपने स्तर पर इंतजाम कर लीजिए। उसके बावजूद भी कई महानगर पालिका ने लापरवाही की, जिसके कारण टीबी की दवाएं नहीं मिली। और उसका पेशेंट जो है, मुंबई जो है कैपिटल होते जा रहा है टीबी के, नहीं, टीबी की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि मुंबई अभी कैपिटल होने वाला है। उसके बावजूद इस पर अनदेखी की गई और कॉरपोरेशन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो टीबी की दवाएं लेट हुई। आज उसका खामियाजा पेशेंटों को भुगतना पड़ता है कि टीबी की दवा का ऐसा मामला है कि अगर आप एक दिन बंद करेंगे तो वो वापस से 3 महीने से ऑफिस को शुरू करना पड़ती है, साइकिलिंग है वो। अगर आपने 2-3 दिन दवा नहीं खाए तो 6 महीने की वापस आपको दवा शुरू करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे, ये जो अभी हॉस्पिटल का उद्घाटन किए, यहाँ पे टीबी की बीमारियों का भी इलाज होगा, तो क्या यहाँ पे दवाइयाँ मुहैया होगी? यहाँ पे भी फ्री में दवाई मिलेंगी, 10 रुपये का फॉर्म लिया जाएगा कॉरपोरेशन से, और ये महानगर पालिका की जितनी भी सुविधा है इंशाअल्लाह ताला वो ये हॉस्पिटल में मिलेंगी। जनरल चेकअप भी यहाँ पे लोगों को दिया जाएगा। मैंने मांगनी किया हूँ, मैं कमिश्नर साहब से मेरी मांग है, मैंने उनसे मांगनी भी किया हूँ, एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन जो है वो भी यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला मैं लाने वाला हूँ। ये फाउंडेशन है 4 महीने का, तो अभी आप सुने आमदार साहब ने बात की है, हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऊपर 2 फ्लोर और हम उसको बनाएंगे, जिसके लिए जो ड्रग्स के लिए जो साइकेट्रिस्ट है, ड्रग्स कैसे छोड़ा जाएगा उसको नहीं, अगर तुरंत में उनको कुछ इलाज करना पड़ा तो यहाँ पे उनको एक फ्लोर पर पूरा उनके नहीं बैठ का इंतजाम किया जाएगा, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हम ये काम करके रहेंगे। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर जायसवाल आने वाले थे, वो क्यों नहीं आए, आप बता सकते हो? जायसवाल साहब अर्जेंट कहीं मीटिंग में चले गए और वो आने वाले थे, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि अगले हफ्ते कभी भी मैं इस हॉस्पिटल के अंदर आऊँगा, क्योंकि कई चीज़ें उनको यहाँ देने वाले, तो वो हॉस्पिटल में ज़रूर आने वाले और आके महानगर पालिका से सारी मदद वो यहाँ पे करके देंगे, उनका वादा। आपके वार्ड में हॉस्पिटल बनाया गया है, तो इस पर आप कितना ध्यान दोगे या आप बताओगे? देखिए, हमने इसको खूबसूरत एक हॉस्पिटल बना दिया है। अब
प्रशासन के साथ, हमारी तो जिम्मेदारी है लेकिन प्रशासन और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस हॉस्पिटल के ऊपर, ये उनका हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ 10 रुपये की दवा मिलती है, तो प्रशासन के साथ में लोगों के भी पहली जिम्मेदारी बनती है कि इधर तोड़फोड़ ना करें, कोई चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाए। कुछ हमारे इधर लोगों का ऐसा होता है कि आज आप नाले देख लेंगे तो बड़े बड़े गद्दे और रजाइयाँ नाले में डाल रहे हैं, बना के फ़ायदा क्या होता है, लोग उसमें सोफे गद्दे रजाइयाँ डाल रहे हैं। तो हमारे साथ जितना हमको जिम्मेदारी की एहसास होना चाहिए, ऐसे ही लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा अपनी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। शानू जी, इस हॉस्पिटल का नाम किस पे रखा गया है? इस हॉस्पिटल का नाम हज़रत ख्वाजा सैयद फखरुद्दीन शाह बाबा के नाम से रखा गया है, और इसके लिए मैं सभी प्रशासन का, मेरे साथ के नगर सेवक अशरीन मैडम, फरदाना शाकिर शेख, शाकिर भाई, महराज खान, जो भी हमारे मेरे साथ उन्होंने इसमें सहयोग किया, और ख़ासतौर से माननीय जितेंद्र रावत साहब, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया इसमें, और प्रशासन के जरिए आज महानगर पालिका से इसको, इस नाम को सेंशन करा के महानगर पालिका का हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा के नाम से इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया। ऐसा है, जो डे केयर में आपको इलाज मिल सकता है वो हर डे केयर का इलाज होगा, लेकिन जो टर्शरी सेवाएं बोलते हैं, टर्शरी यानी बड़े सर्जरी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं होगी, उसका रिकमेंडेशन यहाँ से होगा। तो यानी जिसको हम OPD कहते हैं कि उस डॉक्टर के पास वो सब वहाँ पे होगा, लेकिन बुखार है, कहीं आँख आए हैं, कहीं घसा खराब है जैसा मेरा भी है, तो उसके लिए तुरंत दवाइयाँ मिलती हैं। MM वैली में भी नया हॉस्पिटल बन रहा है तो मुमरा के रहवासियों को कब मिलेगा? ऐसा है कि MM वैली का जो हॉस्पिटल है वो बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्यूमर से लेके ब्रेन तक सब सर्जरीज होगी, यहाँ पे सिर्फ दिमाग का इलाज होगा साइकेट्रिस्ट, लेकिन दिमाग को ऑपरेशन नहीं होगा सर। ये जानबूझ के शानू ने दिमाग का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल बनाया है। देखो ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोई जिन्नात नहीं हूँ जो एक दिन में कर जाऊँ। अभी मित्तल ग्राउंड खुल रहा है, मित्तल ग्राउंड में 2 एकड़ हॉकर्स जोन है, 12 एकड़ स्कूल है, 2 एकड़ हाज हाउस है, 4 एकड़ बस डेपो है, वो सब रिजर्वेशंस हमारे हाथ में आ गए हैं। जैसे एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी मुमरा वाले ने सोचा था कि जो ये मेन रोड है, ये मेन रोड इतना बड़ा और इतना अच्छा कंक्रीट का होगा, लेकिन हो रहा है। हमारी अशरीन हो, हफीज़ा भाभी हो, शानू हो, फरजाना हो, रेहान हो, हमारे सिराज भाई हो, हमारे नेता शमीम खान हो, हम सब लोग मिलके जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं वो मुमरा सुधार की है। और जैसे मैंने आज ऐलान किया, पानी की लड़ाई लगभग हम कामयाब हो गए। आज 250 करोड़ रुपए का पानी का काम चालू है। आज 7 टंकियों में से 5 टंकियाँ पूरी हो गई, पंप भी आ गए। लाइट का काम कम से कम 350 करोड़ रुपया ला के आज रास्ते पे है। रास्ते लगभग 100% कंक्रीट हो गए। अब सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? अब लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ। ये हॉस्पिटल बन गया, ऊपर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा, साइकेट्रिस्ट बिठाया जाएगा, और इसके बाद जो भी ड्रग्स बेचता हुआ पाया गया, चाहे कानून मुझे मेरे हाथ में लेना पड़े, कोई गम नहीं, उसकी हड्डी पसलियां एक की जाए। आपने सुना शानू पठान जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा है। फिलहाल एक माले की हॉस्पिटल बना है, लेकिन 4 माले तक बनाने का फाउंडेशन डाला गया है, और खास करके इस हॉस्पिटल में नशे में धुत लोगों का इलाज किया जाएगा, जिसकी मांग नगर सेवक शानू पठान ने ठाणे महानगर पालिका से किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।